हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए सूरज कुमार यादव ने किया 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान। सूरज कुमार यादव ने 5 विकेट कीपर को दिया है मौका और अर्जुन तेंदुलकर का होगा डेब्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए कौन कौन खूंखार खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को 6 अक्टूबर से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। तो दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 T20 मैचों के लिए के स्क्वाड में 5 विकेट कीपर बल्लेबाजों को मौका दिया जा सकता है। वही माना जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इंडिया के स्क्वाड में अर्जुन तेंदुलकर को शामिल करने का भी फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यों का स्क्वाड कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 में कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में संजू सैमसन नजर आएंगे। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में ईशान किशन नजर आएंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में प्रभ सिमरन सिंह नजर आएंगे। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में ध्रुव जुरेल नजर आएंगे। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में अभिषेक पोरेल नजर आएंगे। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में अक्षर पटेल नजर आएंगे। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में शिवम दुबे नजर आएंगे। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में अर्जुन तेंदुलकर नजर आएंगे। 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में रवि बिश्नोई नजर आएंगे। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में रियान पराग नजर आएंगे। 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में आवेश खान नजर आएंगे और 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में मुकेश कुमार नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों के सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।